अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप घूमने वाला लोगो किस तरीके से बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके सामने बरकाती टेक चैनल का लोगो घूमने वाला है जो मैंने बनाया है। इसी तरीके का वीडियो मैं आपको बनाने का तरीका बताऊँगा, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक बरकाती टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं भेजूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इस लोगो को बनाने में मैंने 3 ऐप का इस्तेमाल किया, पिक्सल लैब ऐप जिसे मैंने फ़ोटो बनाया है। तो चलिए शुरू करता हूँ। पिक्सल लैब ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आएँगे, जो कुछ भी होगा इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद यहाँ से एक शिप ले लेंगे और इसको इस तरीके से बड़ा कर देना है। इस तरीके से बड़ा कर देने के बाद जाली वाले की मदद से बीचों बीच कर लेना है। बीचों बीच कर लिए, बीचों बीच कर लेने के बाद इसको इस तरीके से आधा पे कर देना है और आधा करने के बाद इसका कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे जाली वाले की मदद से इसको सामने सामने बैठा लेना है। सामने सामने बैठा लिए, बैठा लेने के बाद ये नीचे वाला है इसको मैं एक कलर दे देता हूँ, तो मैंने इस कलर को ले लिया। इस कलर को लेने के बाद अब मैं ऊपर दोनों को लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद यहाँ पे लिखना है, जो भी लिखना हो तो मैं लिख लेता हूँ। बरकाती टेक लिख लिए। लिखने के बाद इसको यहाँ पे लाएंगे और लाने के बाद इसका ए बी फॉन्ट में आकर के इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे। वो फॉन्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग बहुत सारा फॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये न्यू स्टाइलिश फॉन्ट लिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ये कलर दे दिया। ये कलर देने के बाद साइज़ बड़ा कर देना है। साइज़ बड़ा कर देने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे रख देना है, बीचों बीच इसको भी रख देना है और इसका भी ताला लॉक कर देना है। इसके बाद आपको फिर एक और लिखना है। इंग्लिश में मैं लिखा हूँ तो इंग्लिश में लिख लेता हूँ। इंग्लिश में लिखने के बाद 1 से लेकर 9 तक कोई एक वर्ड लिख देंगे ताकि इसमें देखिए उसका क्या काम होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर लिख लिए। लिखने के बाद यहाँ पर फिर आएँगे ए बी फॉन्ट में। ए बी फॉन्ट में आने के बाद यहाँ पे भी मैं एक फॉन्ट रखा हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। ये 1 से लेकर 7 तक लिखने की वजह से ये डिज़ाइन आया है, नहीं लिखेंगे तो ये डिज़ाइन इस फॉन्ट में नहीं आएगा। फिर इसको बड़ा कर देता हूँ और बड़ा करने के बाद इसको भी बीचे बीच रख देता हूँ। इसको रख लिया। इसको रखने के बाद इसका कलर चेंज कर देता हूँ। इसका कलर चेंज कर दिया। इसका कलर चेंज करने के बाद मैं यहाँ से कुछ और डाल देता हूँ। ऐसे ये गुंबद ले लिया। गुंबद लेने के बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको छोटा सा कर लेना है और यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे इसको डाल दे, इसको फिर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे डाल देंगे। इसको डाल देने के बाद ये हो गया। अब इसका बैकग्राउंड यहाँ से ख़त्म कर देंगे और यहाँ से इसको सेव कर लेंगे। अब आपको मैं चलता हूँ फ़ोटो के ऐप में। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, अगर से मिलेगा भी तो पैसा मांगेगा, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आना है। इसमें आने के बाद यहाँ पे चॉइस फ़ोटो है, बैकग्राउंड, फ्रेम स्टाइल, इस सब का सेटिंग कर लेना है। तो चॉइस फ़ोटो में जाएँगे। चॉइस फ़ोटो में जाने के बाद यहाँ पर बता रहा है SD एल्बम से लेना है 4-5-6 फ़ोटो, यहाँ पे सिंगल रखना है। यहाँ पे भी 5-6 फ़ोटो रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंगल ही रखता हूँ, पहले आमिर नेपाली का बनाया था। और यहाँ पे सिंगल रखने के बाद यहाँ पे जो है सेट सिंगल पिक्चर है, इसमें जाना है। इसमें जाने के बाद ये गैलरी आएगा, गैलरी में आना है। गैलरी में आने के बाद यहाँ से जो मैंने अभी आपके सामने सेव किया है इस फ़ोटो को ले लेता हूँ। इस तरीके से इसकी सेटिंग कर लेना है। इसको ले लेने के बाद सेव कर देना है। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर इधर बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको ये बैकग्राउंड दिख रहा है और ये दिख रहा है ग्रीन स्क्रीन कलर।
इस कलर में हम सेव करेंगे तो मेरा इसका जो कैन मास्टर में जाएंगे तो इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और ये बैकग्राउंड हटा देता हूँ। बैकग्राउंड हटाने के बाद यहाँ पे फ्रेम स्टाइल है, जो फ्रेम आपको रखना हो आप इसमें रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं इसका ये फ्रेम डाल देता हूँ, ये फ्रेम डाल दिया। ये फ्रेम डालने के बाद यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको किस कलर में इसको रखना है, जो कलर आपको बेहतर लगे इफ़ेक्ट रखना है या नहीं रखना है। तो मैं इसका यही नो इफेक्ट में ही रहने देता हूँ इसको। इसके बाद ये है, इसको आपको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसको ख़त्म करने के बाद ये साइज़ बता रहा है कि किधर रखना है, तो ये आप बीच में ही रहने देंगे, ठीक रहेगा। बीच में रखने के बाद ये रोटेशन है, इसमें आपको बता रहा है इस तरीके से घुमाना है कि इस तरीके से घुमाना है कि ये इस तरीके से घुमाना है। किसी भी एक तरीके से आप इसको घुमाएंगे तो हो जाएगा। इसको मैं इस पर कर लेता हूँ, और इसका स्पीड कम बेसी करना हो तो कर सकते हैं। ये देखिए, तो मैं इसका 100 पे ही स्पीड रहने देता हूँ, और इसका भी जो है ये बिल्कुल टाइटल कम ही कर देना है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब देखता हूँ जो मैंने अभी बनाया है वो यहाँ पे कैसा दिख रहा है। तो ये आप लोग देख रहे हैं जो अभी बनाया हूँ, इस तरीके से ये बन कर के आ गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, इसको जो है यहीं पे इसका रिकॉर्डिंग कर लेना है। ये रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको कुछ मिनट का रिकॉर्डिंग कर लेना है, कुछ सेकंड का, ताकि आप लोगों जब डालेंगे तो यही रिकॉर्डिंग आप साइड में डाल करके इसका ग्रीन स्क्रीन ख़त्म कर देंगे। इसका मैं इतना ही बस रख लेता हूँ। अब चलता हूँ कैन मास्टर के अंदर। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ये 16:9 पे ओके कर देना है। 16:9 पे ओके करने के बाद यहाँ से मैं कोई बैकग्राउंड डाल देता हूँ, जो भी बैकग्राउंड डालना हो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसका मैं यही बैकग्राउंड रख लेता हूँ और इसको बढ़ा ले आएंगे। लाने के बाद इस पर ओके करेंगे और यहाँ से इसका साउंड बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। साउंड ख़त्म करने के बाद फिर इसी पे ओके करना है। इस पे ओके करने के बाद यहाँ पे क्रॉपिंग का ऑप्शन है, इस क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद इस हिसाब से इसको क्रॉपिंग कर लेना है। क्रॉपिंग करने के बाद फिर यहाँ से ओके कर, इस पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद क्रोमा की में आना है। क्रोमा की में आने के बाद ये कलर जो है इसका ग्रीन कर देना है। ग्रीन कलर करने के बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये देखिए अपने आप ये उजला हो गया, ये शेडो मास्क लगा दिए, ये उजला हो गया और साइड वाला काला हो गया, मतलब कि इसका बैकग्राउंड पूरे साफ़ हो गया। चलिए देखता हूँ। ये देखिए, इस हिसाब से ये आपका लोगो बन करके तैयार हो गया है। आपको जिस हिसाब से रखना हो उसको रख सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं बड़ा करके लगा देता हूँ। ये इस तरीके से नाच रहा है। और इसके बाद अगर इसको आपको नीचे करना हो, ये चाबी वाले ऑप्शन पे आएंगे और इस तरीके से कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे। इसको इस तरीके से बढ़ा देंगे और फिर ये कर देंगे, फिर इस तरीके से बढ़ा देंगे और ये कर देंगे, फिर इस तरीके से बढ़ा देंगे, इसको इधर कर देंगे, फिर इस तरीके से बढ़ा देंगे, इसको यहाँ पे ला करके रख देंगे। तो देखिए, मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हो गया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने वीडियो को बना सकते हैं। अब बनाने के बाद इसको यहाँ से डायरेक्ट सेव कर लेना है। ये जिस क्वालिटी में आपको रखना हो उस क्वालिटी में आप रख सकते हैं। ये वीडियो तैयार हो गया। अब चलिए मैं इसको चला करके देखता हूँ। लोगों ने देख लिया किस तरीके से ये मेरा लोगो बन करके तैयार हो गया। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।